वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम एस ट्वेंटी वन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एम जी ए लिमिटेड तो एम जी ए लिमिटेड वॉज इन्वॉल्व इ फोिइंग ट्रांजेक्श इन फॉरन करेंसीज ड्यूरिंग द ईयर एंड दिसंबर थर्टी वन टू थाउजेंड एटीन फिर हमें चार पार्ट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन बताई हुई हैं देन वी हैव गिवन एक्सचेंज रेट्स पी के आर टू वन यूनिट ऑफ फ़ॉरन करेंसी जिसमें हमें चार करंसीज हैं रोलेंड्स दिनार क्रैम्स और सारल इनके साथ एक्सचेंज रेट्स डिफरेंट रेट्स डेट्स पर दिए हुए हैं अब यहाँ पर यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब वन यूनिट ऑफ फ़ॉरन करेंसी है तो ये डायरेक्ट कोट है और अगर हमें किसी भी जगह पर पाक रुपयी फ़ाइंड आउट करने होंगे तो हम फॉरन करंसी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमें फ़ॉरन करेंसी की अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी तो पी के आर को रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ़ॉन करेंसी की अमाउंट आ जाएगी रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल एंट्रीज पास करें फॉर एम जी ए लिमिटेड फॉर द दबअ ट्रांजेक्शन क्लियरली स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस एम जी ए लिमिटेड यूजेज पर पैचुअल इन्वेंट्री मैथड तो कहीं पर भी अगर सेल सेल रिटर्न वगैरह आ रही होगी या इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आएगी तो हम उसको उसके रेलिवेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ उसकी एंट्री को भी शो करेंगे सो पार्ट वाइज इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं वी हैव फर्स्ट पार्ट MZA Limited bought equipment for 130,000 dinar on March 4, 2018 and paid for on August 25, 2018 in PKR. So अगस्त ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड एटीन इन इसमें जो हमारे पास relevant currency के rates हैं वो dinar के हैं इनको focus करते हैं और journal entries का format बना लेते हैं Now first issue is on फोर March टू थाउजेंड एटीन तो ये हमारी फर्स्ट डेट है जो हमारे पास फॉरन करेंसी है वो गिवन है वन थर्टी थाउजेंड दिनार और इस दिन का रेलिवेंट रेट वन एटी है तो वन थर्टी थाउजेंड दिनार इन टू वन एटी हमारे पास पाक रुपये में ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर मिलियन की अमाउंट आ जाती है तो हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया है तो इसकी एंट्री होनी चाहिए इक्विपमेंट डेबिट एंड पेबल्स क्रेडिट फिर हमने इसकी जो पेमेंट की है वो अगस्त ट्वेंटी फिफ्थ को की है और अगस्त ट्वेंटी फिफ्थ को जो रेट है दैट इज टू थर्टी ट्वेंटी so, फिफ्थ अगस्त को 130,000 थर्टी थाउजेंड दिनार को टू थर्टी के रेट पर कन्वर्ट करते हैं तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन मिलियन बनते हैं यानी जब हमें पेमेंट करनी पड़ी तो हमें बैंक से ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन मिलियन देने पड़े जो हमने पेबल रिकॉर्ड किया हुआ था वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर मिलियन का रिकॉर्ड किया हुआ था तो ज़्यादा पैसे हमें देने पड़े तो इट वॉज एक्सचेंज लॉस फॉर अस जो कि हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे इक्विपमेंट जो है वो मॉनिटरी आइटम है उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी ईयर एंड पर और अदरवाइज अनलेस के इक्विपमेंट की कोई फेयर वैल्यू वगैरह होती है तो फिर हम करते अदरवाइज़ जो मॉनिटरी आइटम कॉस्ट पे कैरी हो रहे होते हैं उनकी सब्सिक्वेंट uh, रीमेजरमेंट में एक्सचेंज गेन uh, या लॉस का इम्पैक्ट नहीं आता कोई एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता पार्ट बी की तरफ चलते हैं On Feb 27, 2018, MZ Limited sold goods which had cost PKR 7 million for PKR 8.5 million to a company whose currency was Krands. The proceeds were received on 25th May, uh, May 2018 in Krands. तो so, relevant currency जो यहां पर है वो Krands के साथ हमारा rate है और हमारी जो पहली transaction है वो Feb 27 को हो रही है। हमने goods sale की है 8.5 million की। तो हमें already PKR के अंदर data दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इसको सिंपली जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे और 27 सेवन को हम रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर सकते हैं 8.5 मिलियन से बट यहाँ पर हमारे लिए आसानी रहेगी आगे कि अगर हमें फ़ॉरेन करेंसी में ये अमाउंट पता चल जाए तो क्योंकि रेट इस दिन का 20 है तो हम पाक रुपी को रेट से डिवाइड करके फ़ॉरन करेंसी डिटर्मिन कर सकते हैं एंड दैट इज़ फोर ट्वेंटी ये एंट्री पास करने के लिए अमाउंट जरूरी नहीं थी लेकिन आगे यही जो क्रैम्स में वैल्यू है वो हमारे काम आएगी अब क्योंकि एंट्री टी परपैचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज़ करती है तो सेल्स के साथ साथ हमें इन्वेंट्री को भी अपडेट करना होगा तो सेल्स की वजह से इन्वेंट्री हमारे पास से चली जाती है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी सो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट ये एंट्री कॉस्ट से पास की जाएगी जो हमें गिवन है अब ट्वेंटी फिफ्थ मे को पेमेंट हो रही है रिसीट uh, हो रही है और ट्वेंटी फिफ्थ में को जो रेट है दैट इज नाइन्टीन सो ऑन ट्वेंटी फिफ्थ में फोर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्रैम्स नाइनटीन के हिसाब से हमें अगर रिसीव होंगे तो दैट वुड बी एट पॉइंट जीरो सेवन फाइव मिलियन इन पाक रुपीज तो बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा जो रिसीवेबल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो एट पॉइंट फाइव मिलियन का है ये हम डीरेकग्नाइज कर देंगे और एज अ डिफरेंस हमारे पास एक्सचेंज लॉस आ जाएगा क्योंकि जितने का रिसीवेबल था उससे हमें कम पैसे रिसीव हुए हैं तो फोर ट्वेंटी रिकॉर्ड कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं पार्ट सी है कि ऑन सितंबर टू टू थाउजेंड एटीन एमजी लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट पी केंसी वॉज सॉज आउटस्टैंडिंग एट डिसंबर थर्टीड एटीन बट द वर रिसीव्ड इन सैरल ऑन एक्सचेंज रेट वॉ सेल वन इज इक्वल टू पी के आर ट्वेंटी द डायरेक्टर ऑफ एम जी लिमिटेड अप्रूव द फाइनल एट टू थाउजेंड नाइनटीन सो ये जो ईयर एंड के बाद रेट चेंज हुआ है अगर इस पर आई एस टेन की इंप्लीकेशन आप लें तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने अकाउंट्स का भी अप्रूव किया ये तो इ रेलिवेंट पॉइंट है क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी हुई रिक्वायरमेंट के अंदर तो वैसे तो अगर हम सिर्फ थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक जाए तो हमें जो पेमेंट की जो रिसीट हमें हुई है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम उससे अगले स्टेप पे भी चले जाएंगे जस्ट टू रिफ्लेक्ट कि वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है यहां पर जो हमारे पास रेलिवेंट करेंसी है दैट इज सैरल तो फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्रीज का सो so, सबसे पहले तो सेप्टेंबर टू को ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि पाक रुपी में सेवन फोर ट्रिपल नाइन एट जीरो की हम सेल कर रहे हैं सो टू सेप्टेंबर बल डेबिट एंड सेल्स या रेवन्यू क्रेडिट अब यहां पर हम इससे अगर फॉरन करेंसी डिटर्मिन करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे पास टू सेप्टेम्बर का रेट गिवन है एंट्री तो हमारी पास हो चुकी है लेकिन अगर हम फॉरन करेंसी में डिटर्मिन करते हैं तो ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करेंगे पाक रुपी को तो हमारे पास फॉरन करेंसी टू फाइव एट सिक्स टू जीरो सैरल्स की अमाउंट आ जाती है क्योंकि एक परपैचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो कॉस्ट भी गिवन है तो सेम डेट पर हम इन्वेंट्री की अपडेशन भी कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट फाइव मिलियन की जो कॉस्ट गिवन है उससे हो जाएगी तो इससे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिफरेंस से फिर प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा अब ईयर एंड की बात आती है तो ईयर एंड पर हमारा जो मॉनिट्री आइटम है दैट इज रिसीवेबल सो इस आइटम की ईयर uh, एंड पर ये क्योंकि मॉनिट्री आइटम है तो इसे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना है क्लोजिंग रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ट्वेंटी एट तो रिसीवेबल को क्लोजिंग रेट पर लेकर जाएंगे ये रेंट पे क्लोजिंग रेट पर रिसीवेबल की वैल्यू बन रही है सेवन टू फोर वन थ्री सिक्स जीरो सो यहां पर हम ये नोट कर रहे हैं कि रिसीवेबल की वैल्यू में कमी आ रही है कितने से कमी आ रही है टू फाइव एट सिक्स टू जीरो से तो ये एक्सचेंज लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा और रिसीवेबल को हम कम कर देंगे अब अगर आप थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक के अकाउंट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका सोलूशन कंप्लीट हो जाता है आपको फर्दर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ईयर एंड के बाद जो पेमेंट हो रही है और उस पर जो एक्सचेंज गेन और लॉस आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर का इशू है वो ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और आपको थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन के अकाउंट्स में उनका इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है बट लेट्स से कि हम पेमेंट को भी अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं फेब सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को और उस दिन एक्सचेंज रेट है 27. सेवन so, ये सो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट तो जो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं दैट वुड बी सेवन सिक्स नाइन एट टू सेवन फोर जीरो तो जो हमने पहले रिसीवेबल अभी रिकॉर्ड किए क्लोजिंग पर उससे भी कम हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे जो रिसीव हुए सिक्स नाइन एट टू सेवन फोर जीरो वो हम बैंक में डेबिट कर लेंगे रिसीवेबल जो है हमारा वो ज्यादा था जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज लॉस के तौर पे हम रिकॉर्ड कर देंगे टू फाइव एट सिक्स टू जीरो का तो ये हमारी ईयर एंड के बाद तक की भी एंट्रीज को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो डेवलप हो जाती हैं अब पार्ट डी की तरफ चलते हैं एम सी ए लिमिटेड बारोड फोर ट्वेंटी थाउजेंड रोलेंड ऑन मे ट्वेंटी एंड इज रीपेबल इन टू ईयर्स टाइम तो हमने एक लोन लिया है और वो अभी तक पे नहीं हुआ होगा क्योंकि वो दो साल के बाद पे होना है तो इसमें जो रेलिवेंट करेंसी है वो है रोलैंड्स की उसके रेट्स हमारे पास हैं जनरल एंट्री इसका फॉर्मेट बना लेते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने मे ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंड एटीन को रिकॉर्ड करनी है Rollins में फोर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और इस डेट को रेट है फोर्टी तो ट्वेंटी फाइव मे टू थाउजेंड एटीन फोर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इंटू फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो फोर मिलियन बनते हैं तो इतने से हमें पैसे रिसीव होंगे और लोन पेएबल की लाइबिलिटी जो है हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो बैंक डेबिट एंड लोन पेबल क्रेडिट अब इसमें से जो लोन पेबल की अमाउंट है ये हमारा मॉनेटरी आइटम है तो इस मॉनेटरी आइटम को जो है हमने ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होता है क्लोजिंग रेट भी गिवन है 42 तो 426,000 ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इंटू मिलियन हमारे पास आ जाएगा तो क्लियरली हमारी जो लोन की लाइबिलिटी है वो रेट के चेंज की वजह से बढ़ रही है सो so जब लोन की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो लॉस होगा हमें लॉस को डेबिट कर लेंगे और लोन को क्रेडिट कर देंगे एक्सचेंज लॉस डेबिट एंड लोन पेएबल क्रेडिट सो ये इस क्वेश्चन के फोर पार्ट्स थे और उनकी जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी कर ली दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे